तो आज हमारे पास है फिर से सेल बडी की तरफ से आने वाला एक बहुत ही अच्छा आईफोन। तो चलिए फटाफट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली जो इसका प्लास्टिक बैग है इसको हम लोग काट लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्लास्टिक बैग को काट लेंगे, इसके अंदर हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का बॉक्स। बॉक्स पैकेट आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है। तो सील को ओपन करने के लिए एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से इसको हम लोग फटाफट काट देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या निकलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल का लोगो आ चुका है। दैट मीन इसके अंदर आपको एक आईफोन देखने को मिलेगा। और कौन सा आईफोन है वो मैं थोड़ा सा आपको सरप्राइज दे रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहो, आपको सारी डिटेल्स जो है वो इसी वीडियो से पता चल जाएगी। तो जैसे हम लोग इसमें इसको ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास है प्रोडक्ट रेड 64 GB, और ये जो मेरे हाथों में फ़ोन है ये है आईफोन 8। और पीछे की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है आईफोन 8 रेड 64 GB। और ये जो आप पैकेट देख रहे हो ये पैकेट ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इसलिए नहीं है क्योंकि आज के डेट पे आपको इस तरह का पतला पतला पैकेट देखने को मिल रहा था। आईफोन 8 आईफोन 10 के समय आपको मोटा जब बॉक्स था वो बॉक्स देखने को मिल रहा था, इतना पतला बॉक्स उस समय नहीं था। और एक चीज़ आप लोग हमेशा आईफोन का जो बॉक्स होता है उसको पहचान सकते हो, जो ओरिजिनल बॉक्स होगा उसमें ये जो आईफोन का आपको पिक्चर दिया हुआ रहेगा वो 3D में होता है। दैट्स मीन वो हाथ में लग जाएगा आप जैसे ही ऐसे उंगली फहराओगे, जबकि अगर वो डुप्लीकेट बॉक्स होगा तो इस तरह से उंगली फहराने से वो आपको 3D जो स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग फटाफट इसके सील को ओपन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो बॉक्स जो है वो सील नहीं है। इसके अंदर हमें मिल जाता है फ़ोन। फ़ोन आप लोग देख सकते हो फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी एक टेम्पर ग्लास जो है वो लगाया हुआ है। पीछे के साइड से अगर आ जाएंगे हम लोग तो देख सकते हो आप लोग रेड कलर दिखने में काफ़ी जो अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसको साइड में रखते हैं, आते हैं और क्या क्या हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइटनिंग पोर्ट आपको मिल जाता है और इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर पिन भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं और आ जाते हैं हमारे फ़ोन की तरफ और देखते हैं। सेकेंड हैंड फ़ोन है तो फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फ़ोन का यहाँ पे फिजिकल आप लोग देख सकते हो, फिजिकली कम्प्लीटली फ़ोन जो है वो नया जैसा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको कहीं भी कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलता है और फिजिकल कंडीशन बाकी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग फ्रेम की तरफ जाए तो फ्रेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फ्रेम में भी आपको कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिल रहा है। इस साइड में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको छोटा सा एक स्क्रैच देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर मेरा कैमरा पकड़ पा रहा होगा तभी आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। तो ये एकदम माइनर सा स्क्रैच है, बाकी एज सच इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कि प्रोडक्ट का हमें इंटरनल क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है, कैमरा सीरी इसमें काम करता है कि नहीं और टच आईडी काम कर रहा है कि नहीं। तो हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन को 3U टूल से भी चेक करके दिखाऊंगा और देखने की कोशिश करेंगे कि इस फ़ोन में कितने सारे पार्ट जो है वो ओरिजिनल है और कितने सारे पार्ट जो है वो चेंज किया गया है। हालाँकि फ़ोन में अभी चार्ज जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो मैं फटाफट फ़ोन को सेट कर लेता हूँ, फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का रिफर्बिश रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। सो फोन को मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है और बैटरी में चार्ज भी नहीं था, तो इनिशियल मैंने अभी थोड़ा ही चार्ज किया है। आप लोग देख सकते हो 37% चार्ज हुआ है और ये जो 37% बैटरी चार्ज हुआ लगभग एक घंटा मुझे लग गया इतना चार्ज होने में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बटन्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख सको बटन काम कर रहा है, साइलेंट बटन काम कर रहा है, लॉक बटन काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग टच आईडी की बात करें तो टच आईडी भी परफेक्टली वर्किंग है, जो कि मैंने सेट कर लिया है। और रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो भी काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। काफ़ी पुराना फ़ोन है लेकिन फिर भी यहाँ पे टच आईडी का जो रेस्पॉन्स है वो आपको क्विक मिल जाता है। तो चलिए एक बार वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोन यहाँ पे मेरे पास है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे ऊपर रख देते हैं तो देख रहे हो आप चार्ज होना जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। दैट्स मीन इसमें आपको जो वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर्स मिलता है वो भी काम कर रहा है। तो चलिए फटाफट इसके कैमरा को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कैमरा में यहाँ पे किस तरह का हमें इमेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लाइव फुटेज देख सकते हो, यहाँ पे एक इस बॉक्स को हम लोग एक बार फोटो क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
अच्छा खासा यहाँ पे आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो अभी अभी मैंने कुछ फोटो इसमें क्लिक किया है, सारे फोटो मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आईफोन 8 उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो मैंने सिम इजेक्टर टूल को यहाँ पे चेक किया तो देख रहे हो फोकस जो है नहीं कर पा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो रहा है तो बहुत ही अच्छे से कैप्चर हो जा रहा है और फोटो का क्वालिटी भी यहाँ पे संभव आप कह सकते हो अच्छा है। तो कुछ फोटो आप लोग देखो और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या आप इस फोन का एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू देखना पसंद करोगे। अगर हम लोग इस फोन की बैटरी की बात कर ले तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी हेल्थ हमें कितना मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी में जाएंगे, इसके ऊपर चेक करेंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% दिखा रहा है। दैट मीन इस फोन में जो बैटरी है उसको रिप्लेस किया गया है और रिप्लेस करके नया बैटरी डाला गया है, इसीलिए आपको मैक्सिमम जो बैटरी हेल्थ है वो 100% शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग टच की बात करें तो आप लोग देख सकते हो टच बहुत ही फ्लूइडली तरीके से काम कर रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं हो रहा है टच में। और एप्स ओपनिंग स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट तरीके से हर एक चीज़ देखने को मिल रहा है। तो एज सच कोई भी प्रोसेसिंग में आपको इस फोन में दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये वाला जो आप लोग फोन देख रहे हो ये दिखने में हुबहू आपको आईफोन 8 जैसा लगेगा, लेकिन ये जो है वो आईफोन SE 2020 है। तो इस फोन का और इस फोन का आपको एक बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन देखने को मिलेगा इस चैनल में, तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए एक बार हम लोग डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले इसका ओरिजिनल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल में जाएंगे, टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रू टोन ऑन या तो ऑफ हो रहा है। दैट्स मीन इसका जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है। सो ये था कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया है। इस फोन से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस फोन से रिलेटेड आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।